लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू हो चुका है। चुनाव शुरू होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को लोगों से नफरत के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए वोट करने और बेरोजगारी मुद्रास्फीति के खिलाफ वोट देने का आग्रह किया है। पांचवें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान जारी है, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसे कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें वोट जरूर करना चाहिए। ईवीएम पर बटन दबाने से पहले याद रखें कि हमें प्यार और भाईचारे के लिए वोट करना चाहिए, नफरत के लिए नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, हमें बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट करना है, ना कि कुछ पूंजीपतियों को अमीर बनाने के लिए। हमें अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए वोट करना है, ना कि उन लोगों के लिए जो हमारे अधिकार छीनते हैं। उन्होंने लोगों से न्याय के लिए वोट करने का आग्रह किया, ना कि अन्याय उत्पीड़न के लिए। लोकतंत्र के लिए वोट करें, तानाशाही के लिए नहीं। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता जो आज 49 लोकसभा सीटों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और रिश्तेदारी न्याय के एजेंडे में मतदान करेंगे। खड़गे ने कहा, जब आपका साथ ईवीएम का बटन दबाएगा तो तानाशाही की पहले से ही अस्थिर कुर्सी को एक और झटका लगेगा और लोकतंत्र को ताकत मिलेगी। उन्होंने पहली बार मतदान करने वालों का भी स्वागत किया, कहा कि ये उनकी एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 4 चरणों के रुझान बताते हैं कि हुक्म शाह की विदाई तय है, आज विदाई की ओर 5वां कदम है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आज 5वें चरण का मतदान है। पहले 4 चरणों में ही ये साफ हो गया कि जनता संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ी हो गई है और भाजपा को हरा रही है। नफरत की राजनीति से ऊब चुका ये देश अब अपने मुद्दों पर वोट कर रहा है। युवा नौकरी के लिए, किसान MSP और कर से मुक्ति के लिए, महिलाएं आर्थिक निर्भरता और सुरक्षा के लिए, मजदूर वाजे महताने के लिए। उन्होंने कहा कि 4 जून से एक नई शुरुआत की जाएगी।